2024 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं और ये नड्डा का कार्यक्रम इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि नड्डा बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सदै कैलाशपति मिश्र के जयंती समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। चुनावी साल है लिहाजा कैलाशपति मिश्र बीजेपी को ज्यादा याद आ रहे हैं। इस बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कैलाशपति मिश्र के सहारे बीजेपी भूमिहार समाज के नाराज वोटरों को या भूमिहार समाज जो बीजेपी से नाराज हुए हैं उनके बीच गोलबंदी करने के मैसेज से नड्डा को बिहार भेजा जा रहा है। नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जिस वक्त नड्डा बिहार आ रहे हैं उस वक्त उनके आने पर सवाल उठने लगा है। क्या 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी अपने कोर वोटरों को साधने में जुटी है? बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाले वक्त में जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि 2020 के चुनाव परिणाम के नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी को बहुत हद तक उस समाज में सफलता नहीं मिली। लेकिन अब बीजेपी जब बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में खास तौर पर से ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ और राजपूत समाज की जो संख्या बल दिखाया गया है, इस संख्या बल को लेके बीजेपी जो स्वर जाति के वोटर हैं उनको गोलबंद करके महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से दूर करने की रणनीति के साथ जेपी नड्डा को बिहार भेजा जा रहा है। नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नड्डा के पास पूरा पावर है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2024 के चुनाव के मुहिम में लगे हुए हैं, ऐसे में नड्डा को बिहार भेजना उसके बाद अमित शाह का खुद बिहार आना कई मायने में अहम हो जाता है, क्योंकि नड्डा के सामने चुनौती नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बिहार में बने हुए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार का वो मुहिम है जिसमें इंडिया गठबंधन के बैनर तले देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की मुहिम नीतीश ने शुरू की और उसकी सफलता जिस तरीके से देश भर में इस इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, यही वजह है कि बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है वो साफ दिख रहा है। दरअसल कैलाशपति मिश्र के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं, बड़ा आयोजन रखा गया है, बापू सभागार में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे बीजेपी खास तौर पर भूमिहार समाज को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। नड्डा जब बिहार आएंगे तो वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बिहार में विधानमंडल दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कोर कमिटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एजेंडा 2024 के चुनाव होगा। इस बार बीजेपी के एजेंडे में बिहार के अंदर जो समस्या है वो कितनी प्रमुखता से आती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नड्डा के इस मिशन के पीछे कहा यह जा रहा है कि नड्डा पूरे बिहार में घूम घूम कर यह मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी नेताओं को। बीजेपी नेताओं को ये मैसेज दिया जाएगा आज के कार्यक्रम से कि वो बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है, जो संख्या दिखाई गई है उसमें गड़बड़ी है और इसे बड़ा एजेंडा बनाकर समाज में और जिस तबके की बात की जा रही है कैलाशपति मिश्र के नाम पर जो लोग इकट्ठा होंगे उन सभी लोगों के सामने यह बातें रखी जाएगी कि इस समाज के जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं वो समझ लें कि आपके लिए केवल बीजेपी के पास ही एक ऐसा विकल्प है जो आपकी पहचान और आपको कद्र करेगी। अमूमन बीजेपी की कोशिश होगी कि खास तौर पर समाज का वो तबका जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से फिलहाल नाराज चल रहा है उन तबकों को किस तरीके से भाजपा की तरफ मोड़ा जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के 4000 सीट पर इसका असर पड़े। 2024 का जो मिशन है उसे फतह करने के लिए जेपी नड्डा ने जो तैयारी की है, अमित शाह ने जो तैयारी की है वो इसी रणनीति का है कि रणनीति ये है कि कैलाशपति मिश्र के बैनर तले उनके नाम के सहारे एक बार फिर से बीजेपी अपनी खोई हुई ताकत बिहार में इकट्ठा कर ले। फिलहाल नड्डा जब बिहार आते हैं तो क्या कुछ कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन
कैलाशपति मिश्र के नाम पर जिस तरीके के आयोजन चुनावी साल के सुगुगाहट के मौके पर किया जा रहा है, इसके पहले इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम नहीं हो रहा था। सवाल यही है कि आखिर कैलाशपति मिश्र बीजेपी को खास तौर पर चुनावी साल में इतने बड़े पैमाने पर क्यों याद आ रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कैलाशपति मिश्र के जयंती के मौके पर पिछले साल भी कार्यक्रम हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम को इतना भव्य नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव सर पे है, ऐसे में खास तौर पर बीजेपी के जो पितामह हैं, उनकी जयंती के मौके पर किस तरीके से समाज में उन तबकों को जोड़ने की कोशिश है, वो अब बीजेपी दिखाना चाहती है। लिहाजा बीजेपी ने पूरी ताकत लगा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का फैसला किया है। नड्डा के लिए एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक जगह जगह बीजेपी नेताओं ने कई स्वागत स्थल बनाए हुए हैं, जहां भव्य तरीके से नड्डा का स्वागत कर चुनावी रण की शुरुआत के मैसेज दिए जाएंगे। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में, पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।